हेलो फ्रेंड्स, नवनीत कौर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्जी। ये पंजाबी घरों में बहुत पसंद की जाती है एंड यू नो फ्रेंड्स, जब कोई ओकेजन होता है तब तो ये बनती ही बनती है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सम ऑयल, थोड़ा सा तेल, 400 ग्राम्स रेडी स्पिनच वॉश्ड एंड चॉप्ड पालक, 1 पोटैटो आलू, 75 ग्राम्स पील्ड एंड कट, 1/4 टीस्पून शुगर, 1/2 कप वाटर, 2 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, 1 अनियन 50 ग्राम्स फाइनली चॉप्ड, 2 टीस्पून्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट कैन बी आल्सो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक हल्दी, 1 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टोमेटो 75 ग्राम्स प्यूरीड इन मिक्सी, 150 ग्राम्स कॉटेज चीज पनीर, इसको फ्रेंड्स छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, एंड फॉर गार्निश लिटिल बिट स्प्रिंकलिंग ऑफ गरम मसाला एंड अ स्मॉल डॉलप ऑफ बटर। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें हम स्पिनच डालेंगे, पोटैटोस, शुगर एंड वाटर और गैस बंद कर दे और कुकर बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स, इसको स्टीम आने के बाद 10 मिनट स्टीम करेंगे और 10 मिनट के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे एंड वी विल लेट दिस कूल, लेट द स्टीम ड्रॉप। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और फिर इसको हम कूल करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम गैस ऑफ बंद कर देते हैं और इसको वी विल जस्ट लीव इट देयर टिल द स्टीम ड्रॉप्स। इसका स्टीम निकाल के नहीं खोलना है, इसका स्टीम अपने आप जब ड्रॉप हो जाएगा फिर खोलेंगे। और इधर रख देते हैं। अब ये स्टीम ड्रॉप हो गया, अब इसको खोल लेते हैं और इसके कंटेंट्स निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर के सारे कंटेंट्स निकाल लिए हैं, ये पालक और आलू और ये उसका जो बाकी स्टॉक बचा था। अब इसको हम मिक्सी की गॉबलेट में डालेंगे और साथ ही ग्रीन चिलीज डालेंगे, हरी मिर्ची जो काट के रखी हुई थी, और 1 टेबलस्पून स्पिनच का स्टॉक जो पानी बचा हुआ था। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक आप इसको ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपकी मिक्सी को ज़रूरत हो एक्स्ट्रा स्टॉक की। चलिए इसको हम ग्राइंड करते हैं। ऑफ किया और इसको बहुत महीन नहीं करना है, इसको ठीक ठीक करना है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको बीच में 2-3 बार ऐसे स्टर करके भी देखना है ताकि ये बहुत ज्यादा महीन ना हो जाए और ठीक से इसमें अच्छी तरह से ये ग्राइंड भी हो रही है। चलिए थोड़ा सा और करते हैं पल्स। अब इसको देखते हैं,
देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्लास ग्राइंड हो गया है. सी इट इज नॉट टू मच ग्राउंड एंड इट इज जस्ट द राइट कंसिस्टेंसी. हैव अ लुक एट इट. अब हम इसको इधर रख देते और गैस ऑन करते. और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. एंड वी विल पुट अनियन. और इसको हम फ्राई करेंगे फॉर 5 मिनट्स टिल इट इज स्लाइटली पिंक. फ्रेंड्स देखिए, ये स्लाइटली पिंक हो गया है. गैस आहिस्ता कर देते हैं. इसमें अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट. सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर. हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड द प्यूरी टोमेटो. अब गैस तेज कर देते हैं और इसको हम ड्राई होने तक कुक करेंगे अनदर 3 to 4 मिनट्स. देखिए, दिस इज ड्राई. नाउ वी ऐड द स्पिनच इनटू इट. And we cook it for 3-4 minutes. देखिए अब ये हो गया है. अब इसमें हम पनीर डालेंगे. And then we will cook it for another 5 minutes. लीजिए आपका पालक पनीर ऑलमोस्ट रेडी है. गैस ऑफ कर देते हैं और इसको उतार लेते. फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्ची चेक कर सकते हैं एंड यू कैन एडजस्ट द सीजनिंग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. अब इसको डिश में डाल लेते हैं. अब हमने इसको डिश में डाल दिया है और गरम मसाला इसके ऊपर हम डाल देते हैं. एंड देन वी पुट अ डॉलप ऑफ बटर ऑन टॉप. लीजिए आपका पालक पनीर तैयार है. आपकी पालक पनीर की सब्जी तैयार है और ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है फ्रेंड्स. इसमें फाइबर है, आयरन है, प्रोटीन्स है. अब आप इसको बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए.